बैकरेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है एज अ पिलियंस के लिए गाइज, ठीक है। What's up guys, welcome back to the channel, welcome back to the new fresh video with a new fresh vlog. So guys, आज कोई मोटो व्लॉग नहीं होने वाला है, सो डिस्कस होने वाला है अपनी एवेंजर 160 में क्या क्या मॉडिफिकेशंस और क्या क्या सामान हैं जो कि अपने लगने वाले हैं। सो मेरे पास अभी तीन ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि गाइज अपनी बजाज एवेंजर को टूरिंग सेटअप में बदल देगा, और आपने पहले भी देख रखा है सारी उन वीडियो में। सो बेस्ट ये तीन ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि गाइज बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि मतलब बाइक की जो लुक है ना उसको एज अ टूरिंग सेटअप के हिसाब से इतनी खूबसूरत बना देता है ना गाइज। सो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम टूरिंग सेटअप में यूज़ करेंगे, और बाकी जो उसके बाद एडिशनल जो चीज़ें रह जाएंगी फिर उसको भी हम देखेंगे कि हमको कैसे कैसे करके करना है। सो अभी काफ़ी टाइम है वैसे तो लद्दाख राइड के लिए, लेकिन प्लानिंग अभी से ही अगर करते हैं ना तो गाइस ज़्यादा ही बढ़िया रहने वाला है, और ज़्यादा ही चीज़ें मतलब इजी हो जाएंगी, क्योंकि जब जो वो डे आएगा ना तो उस डे में गाइस थोड़ा सा हैप्टिक हो जाने वाली चीज़ें, तो इससे अच्छा है कि क्या नाम है अभी से ही वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी शुरुआत कर देंगे। लेकिन आज मॉडिफिकेशंस नहीं होगी, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ कि जो जो चीज़ें हमारी ज़रूरत पड़ने वाली हैं बजाज एवेंजर में, जो कि उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देगी, उसके टूरिंग सेटअप को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी गाइज। तो पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या वो प्रोडक्ट है अपने, ठीक है। सो लुक एट दिस गाइज, देखो अपना सबसे पहले जो कि बैकरेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है एज अ पिलियंस के लिए गाइज, ठीक है। अपना रैक भी है ये पीछे की साइड, तो इसमें अपना बैग वगैरह कैरी हो जाएगा यहाँ पे, प्लस अपना पिलियंस जो कि आराम से ठीक है सिटिंग पोजीशन में बैठ सकता है गाइज, और इससे ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाने वाली है पिलियंस की राइड, चाहे हम कितने भी किलोमीटर चला लें या फिर हम 500 या 600 किलोमीटर का कंटिन्यू भी चलाते हैं ना, तो भी पिलियंस को कोई भी थकान नहीं होने वाली है, कोई भी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और जो कि स्टॉक हैंडल हैं, जो आपने देख ही होंगे मेरी बाइक में जो ये स्टॉक मिरर हैं, ठीक है, जो बजाज एवेंजर साथ में देता है अपने, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब यार इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। जो मैंने अभी लगा रखे हैं हार्ले डेविडसन वाले जो कि राउंड वाले जो मिरर हैं वो थोड़े से अलग हैं, बस शो के लिए अच्छे हैं, बाकी विजिबिलिटी ठीक है उसकी, ऐसा भी नहीं है कि विजिबिलिटी बढ़िया नहीं है। और अपने नकल गार्ड जो कि गाइज ये लगते ही ना क्या ही ज़बरदस्त खूबसूरत लुक आ जाता है। तो ये तीन प्रोडक्ट अपने अभी ऐसे हैं, तो मैं बता दूँ ये कहाँ कहाँ लगने वाले हैं और कैसे कैसे लगने वाले हैं। सो अभी चल रहे हैं बाइक के पास, और कौन कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि लगनी है, और उसको जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे, लगवाएंगे, यानी कि डे टू डे में जितनी भी चीज़ें रहेंगे मैं सारी चीज़ों को आपको आपसे डिस्कस करता रहूँगा। सो अगर आप प्लान बना रहे हैं बजाज एवेंजर को लॉन्ग टूर पर ले जाने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप लद्दाख राइड पर ले जाएँ या फिर कहीं भी, आप थोड़ा सा इधर उधर मतलब ये 400-500 किलोमीटर अगर की राइड भी करते हैं ना, तो आपके पास बजाज एवेंजर है, अगर आप उसको टूरिंग सेटअप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बाइक कैसी लगेगी, कैसी खूबसूरती आएगी, क्या ही परफॉर्मेंस पे असर पड़ने वाला है, क्या परफॉर्मेंस अपग्रेड होने वाली है, सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी गाइज इस वाली जो सीरीज जो चलेगी ना ये मॉडिफिकेशन वाली, इसमें आपको सारी चीज़ें पता लगने वाली हैं गाइज। और बाकी मैं एक चीज़ और बोल दूं, अगर चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन को ऑल कर लो ताकि जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस वगैरह आती हैं सबसे पहले गाइज आपके पास पहुंचने पाएँ और आप इन्जॉय करने पाएँ। और जितने मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ यार जो बेल आइकन है उसको ऑल कर लो, जिसकी वजह से गाइज जितनी भी वीडियोज़ आती हैं ना तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन में आने पाए गाइज, क्योंकि वीडियो बाद में आती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप बेल आइकन को ऑन नहीं कर रखा है उसकी वजह से। तो चलो बाइक के पास चलते हैं, ठीक है। सो गाइस ये है अपनी बजाज एवेंजर। सो सबसे पहले ये वाले मिरर उतर जाएंगे अपने, यहाँ पे अपना लग जाएगा नकल गार्ड जो कि इसकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, और जो इसके स्टॉक मिरर है ना वो यहाँ पे लग जाएंगे जिससे काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी हो जाएगी, और अपना बैक रेस्ट यहाँ लग जाएगा गाइस, और जिससे कि टॉप रैक यहाँ पे आ जाएगा अपना, और यहाँ पे लगने वाला है अपना सैडल स्टे, और एक इधर की साइड लगेगा जिसकी वजह से सैडल बैग वगैरह कैरी हो जाएगा, और यहाँ पे अपना लगेगा मोबाइल होल्डर और विथ चार्जर इधर लग जाएगा। तो ये वाली चीज़ें हैं, और बस अभी तो फ़िलहाल तो यही है। सो
बस कुछ चीज़ें अभी तक यही हैं गाइस, जैसे जैसे और चीज़ें आती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी, उन सब चीज़ों को मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या एडिशनल चीज़ें, मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी हैं ना, तो वो हम कौन कौन सी ऐड कर सकते हैं, सब चीज़ें टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे गाइस। अभी तो कोई मैं ऐसी इसमें अभी इंस्टॉल वगैरह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि जल्द ही सारी चीज़ें इंस्टॉल होने लगेंगी, कि मैं खुद करूँगा या फिर मैं दुकान पे कराऊँगा, जैसे भी रहेगा सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। और वैसे कोशिश रहेगी कि मैं सारी चीज़ों को खुद ही इंस्टॉल करूँगा, जिससे गाइस एक ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रहता है कि आप अपनी बाइक में जो काम करते हो ना, वो आपने 100% किया है और वो 100% हुआ है। सो कभी कभी मन में ये वाली चीज़ डाउन रह जाती है कि हम बाइक को मैकेनिक के पास करवाते हैं ना, तो मैकेनिक कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ देता है जिसकी वजह से सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है। तो बस यही वाली चीज़ें हैं। होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ एक बार फिर से सब्सक्राइब कर देना गाइस, और बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार दिखाइए। चलो वीडियो करते हैं यहीं पे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट।